डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अरुण कुमार और आज मैं आप लोगों को जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होता है और रिएक्शन मैकेनिज्म के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग SN1, SN2, E1, E2, E1CB और इस तरह के क्वेश्चंस को करते हुए जाते हैं, यहां से क्वेश्चंस कराऊंगा। तो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो कि IIT और NEET के अंदर पूछे जाते हैं, स्पेशली जो कॉम्पिटिशन का पार्ट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जरा देखिए एक बार क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। यहां पर मैंने लिखा है ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ SN1। देखिए सबसे पहले जो यहां पर है उससे मैंने यहां पर कंपाउंड दिया है और बीच में ब्रोमीन लगा हुआ है और यहां पर दिया हुआ है एक्वस AgNO3 और आपसे पूछा गया है कि इस केस में क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो जब आप SN1 के क्वेश्चंस करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारे पास में लिविंग ग्रुप है उसको पहले हटा देते हैं। SN1 के क्वेश्चंस में, SN1 के टॉपिक में सबसे पहला काम यह होता है कि जो लिविंग ग्रुप है उसको हटा दें। लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद जो आपके पास में कार्बोकैटायन बना उस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट करा दें और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बने उसमें आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट करना है। ये सीधा मेथड होता है SN1 का। SN1 को एक बार थ्योरेटिकली आप लोग देख लें और उसके बाद में उसके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर जो हमारे पास में ब्रोमीन है उसको यहां से लीव करा देंगे, उसको हटा देंगे और इस ब्रोमीन को हटा देने के बाद जो आपके पास में बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, जो आपके पास यहां पर बनेगा वो जाएगा ये कार्बोकैटायन। यहां से आपने ब्रोमीन को सेपरेट आउट किया तो यहां पर हमारे पास में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। इस कार्बोकैटायन में अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 2 और 2 यानी कि हमारे पास में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर यहां से ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट कर ले, यानी कि अगर यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में जो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन इस टाइप का बनेगा। यहां पर प्लस चला गया, इस कार्बोकैटायन के अंदर 3 इधर और 2 इधर, यानी कि अब 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पहले जो कार्बोकैटायन था उसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और जो अब कार्बोकैटायन है उसके अंदर यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये निकला इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये होगा और अगर ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो ये रीअरेंजमेंट जरूर होगा। इस रीअरेंजमेंट के होने के बाद फिर आपको यहां पर जो Br- है, जो यहां पर Br- नहीं H2O लिया है क्योंकि Br- लिविंग ग्रुप था, इसमें क्वेश्चन के अंदर Br- लिविंग ग्रुप था और एक्वस AgNO3 आपने लिया था, तो मींस अब जो अटैक होगा वो H2O होगा। एक्वस है तो H2O का अटैक होगा, यानी कि यहां पर OH लगेगा। तो जो हमारे पास में यहां पर कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इस केस में 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब आपने इस प्रोडक्ट को बनाया है तो इस प्रोडक्ट में यहां पर एक OH अटैच है, एक ये ग्रुप अटैच है और इसके साथ साथ एक यहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब ये जो कार्बन एटम है ये कायरल कार्बन एटम है। अगर ये कायरल कार्बन एटम है तो इसका मतलब 2 कंपाउंड यहां पर बनेंगे, एक हमारे पास में डेक्सोरोटेटरी बनेगा और एक हमारे पास में लीवोरोटेटरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब ये निकला कि इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 2 कंपाउंड की फॉर्म में बनेगा, दैट इज 2 कंपाउंड्स। एक बात, दूसरी बात यह है कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर यहां पर एक्वस AgNO3 लिखा हुआ मिले, जब भी आप यहां पर एक्वस AgNO3 लिखा हुआ देखें तो इस केस में जो Ag होता है वो Ag इस लिविंग ग्रुप के सेपरेट होने में हेल्प करता है क्योंकि AgBr का प्रेसिपिटेट यहां पर फॉर्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में AgBr का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा और इस कंडीशन में जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर जाकर के अटैच हो जाएगा और इस मैकेनिज्म से यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहां पर सोल्व कराया आपको और ये बताया कि किस तरह से आपको यहां पर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है, प्रोडक्ट कैसे आप लोग सोचते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम SN1 रिएक्शन का ही एक सेकेंड क्वेश्चन भी देखेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या होता है, क्योंकि हमें SN1 रिएक्शन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पर करनी है कि SN1 रिएक्शन के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो देखिए बेटा इस केस में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसा कि आपने इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले आपको लिविंग ग्रुप हटा देना है,
तो लिविंग ग्रुप को हटा देने के बाद जो आपके पास में यहां पर बनेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन यहां पर प्रेजेंट है इस टाइम पर, ये कार्बोकेटाइन जो कार्बोकेटाइन यहां पर प्रेजेंट है, ये कार्बोकेटाइन एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे केवल एक ही कार्बन यहां पर अटैच है। तो इस कंडीशन में यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन भी होगी। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा देता हूं तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और SN1 रिएक्शन की खास बात यह होती है कि इस केस में अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के होने की केवल एक ही शर्त होती है कि उस कंडीशन में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी दिस कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन में जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्शन हो जाएगी, और वाटर के मॉलिक्यूल की रिएक्शन होने के बाद जहां पर पॉजिटिव चार्ज है यहां पर अब OH का एडिशन हो जाएगा, यानी कि इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट, यहां पर OH आ जाएगा। और यह भी याद रखना है हमें कि इस केस में केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जो एल्कोहल है वो कायरल नहीं है, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, तो जो एल्कोहल का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है वो कायरल नहीं है, तो चूंकि वो कायरल नहीं है तो इस कंडीशन में केवल एक ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहां पर होगा। तो मैंने जो आपको सेकंड क्वेश्चन था उसको किस तरह से सोचना है, किस टाइप से उसको करना है ये आपको बताया। हम यहाँ पर SN1 रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं। SN1 रिएक्शन के क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं इनको हम कर रहे हैं, और एक ही मेथड है, बार बार एक ही मेथड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और वो मेथड ये है कि आपको लिविंग ग्रुप हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन में अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराना है, और रीअरेंजमेंट करा करके उसके बाद में फिर वाटर का या न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा बेटा, यहां पर अगर आप देखें तो इस कंडीशन में यहां पर हमारे पास में BR है, इस जगह पर यहां पर BR है, यहां पर BR लगा हुआ है, तो आप इस BR को हटा दीजिए। सबसे पहला काम इस BR को हटा दीजिए। BR को हटाने के बाद जो भी कुछ आपके पास बनेगा वो आपके पास में बन जाएगा ये, यहां पर आ जाएगा हमारे पास CH2 और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये प्राइमरी है क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास में केवल एक ही कार्बन है, इसलिए क्या होगा इसमें रीअरेंजमेंट। इस टाइम पर जो रीअरेंजमेंट है वो मिथाइल होगा, यानी कि इस टाइम पर मिथाइल शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो यहां से मिथाइल शिफ्टिंग होगी, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब आप सोच सकते हैं कि इसमें आप H2O का अटैक यहां पर कराएंगे, और H2O का अटैक कराने के बाद अब आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने यहां पर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका क्या आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहां पर आपको बताया है। रीअरेंजमेंट कराने के बाद पहले लिविंग ग्रुप हटाया, फिर कार्बोकेटाइन बनाया, फिर उसमें रीअरेंजमेंट कराया, और उसके बाद में यहां पर OH का अटैचमेंट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद अब हम यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर में क्या होना चाहिए। SN1 रिएक्शन के क्वेश्चंस की मैं यहां पर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि SN1 रिएक्शन के किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप यहां पर कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं सबसे पहले वही होगा, लिविंग ग्रुप यहां से हटाओगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो जो हमारे पास में कार्बोकेटाइन यहां पर बन रहा है वो कार्बोकेटाइन इस टाइप का है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन इस टाइम पर टर्शियरी है, और इसके पास में जितने अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम हो सकते हैं वो हैं। कैसे एक बार देखेंगे, लिविंग ग्रुप तो आप हटाई चुके हो, सीएल माइनस आपने हटाई दिया है, यहां पर देखिए CH3 है तो 3 होंगे, यहां पर CH2 है तो 2 होंगे, यहां पर CH2 है तो 2 होंगे, यानी कि इस केस में हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और आप इस पॉजिटिव चार्ज को चाहे कहीं भी ले जाइए लेकिन इससे ज्यादा आप अल्फा हाइड्रोजन को नहीं कर सकते हैं, इसे ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। अब यहां पर H2O का अटैक होगा, और H2O का अटैक होकर के हमारे पास में इस टाइप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा, यहां पर OH बनेगा। अगेन याद रखेंगे कि जो ये वाला कार्बन एटम है ये कायरल नहीं है, और अगर ये कायरल नहीं है तो इस कंडीशन में दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, केवल एक ही प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया कि किस तरह से आप SN1 रिएक्शन के क्वेश्चन को करते हैं,
और उनके आंसर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और 5 में भी बिल्कुल वैसा ही करना है। पहले बेटा लिविंग ग्रुप हटा दीजिए, लिविंग ग्रुप हटाने के बाद जो कुछ हमारे पास बनेगा उसको एक बार देख लीजिए। लिविंग ग्रुप हटाने के बाद में इस पर यहां पर प्लस 4 आ जाएगा, लेकिन ये यहां पर प्राइमरी है इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि प्राइमरी है, अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम है इसके अंदर, इसे रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट कराने के बाद में आप क्या करेंगे, जो यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हाइड्राइड शिफ्ट मिल जाएगी, वो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद जो हमारे पास में यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन इस टाइप का होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ चुका होगा। इतना करने के बाद फिर आपको यहां पर कराना है H2O का अटैक, उसके बाद आपको कराना है यहां पर H2O का अटैक। तो जब आप इस कार्बोकैटायन पर, जो कार्बोकैटायन आपके सामने यहां पर है, इस कार्बोकैटायन पर जब आप H2O का अटैक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्म होगा, काइरल नहीं है, इसे केवल एक ही बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मॉलिक्यूल के H2O के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या बनना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। हम SN1 रिएक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें एक ही काम करना होता है, लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट कराओ, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है उसमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, बस इतना काम है और बार बार इसी की ही प्रैक्टिस हमें करनी होती है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिए इसको भी आप देख सकते हैं, इस वाले को भी अगर इसको आप देखेंगे तो जो हमारे पास में कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप हट गया तो जो कार्बोकैटायन हमारे पास बनेगा वो कार्बोकैटायन बन जाएगा ये, जो कार्बोकैटायन इस टाइम पर यहां पर है वो कार्बोकैटायन ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकैटायन है। आप देख सकते हैं कि जो कार्बोकैटायन यहां पर है वो कार्बोकैटायन ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकैटायन है। इस केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, यानी कि इस केस में हमारे पास है 5, यानी कि 2, 2 एंड 1, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन इस टाइम पर प्रेजेंट है, यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए यहां पर सपोज दैट जो हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां से यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, अगर मान लीजिए जो यहां पर हाइड्रोजन है मेरे पास में, इस हाइड्रोजन को अगर मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं तो इस केस में जो हमारे पास में यहां पर बनेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, जो हमारे पास में कार्बोकैटायन इस टाइप पर बनेगा वो कार्बोकैटायन ये हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट, ये वाला रीअरेंजमेंट केवल और केवल तब हो सकता है जब जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बढ़ी हो, क्योंकि ये भी टर्शियरी है और ये भी टर्शियरी है। चेक करते हैं, तो इसमें अगर हम देखें देखिए 3 एंड 3 6, तो 6 एंड 1 5 6 और 1 7, यानी कि इस टाइम पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। तो इससे यहां पर रीअरेंजमेंट हुआ और इस केस में अब हमारे पास में यहां पर OH अटैच होगा, तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो हमारे पास इस केस में फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसको आप देख सकते हैं कि वो क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास OH आ जाएगा, यहां पर OH अटैच हो जाएगा। तो मतलब ये निकला कि H2O का अटैक करा करके, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा करके अब इस टाइप के प्रोडक्ट का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसका क्या आंसर बनना चाहिए ये आपको समझाया, 6 नंबर के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करा दिया। 6 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कराने के बाद अब एक बार हम देखते हैं कि जो 7th नंबर का क्वेश्चन है उस केस में क्या होना चाहिए, जो 7th नंबर का क्वेश्चन है उस केस में क्या होना चाहिए अब एक बार इसको देखते हैं। तो देखिए अगर मैं 7th नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं तो 7th नंबर के क्वेश्चन में पहले यहां पर ब्रोमीन सेपरेट आउट हो जाएगा, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो हमारे पास में ब्रोमीन है उस ब्रोमीन को यहां से सेपरेट कर दीजिए। तो ये मैंने ब्रोमीन को सेपरेट कर दिया और यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कभी 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग के पास वाले कार्बन पर, 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग के पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें रिंग एक्सपेंशन जरूर होगा। तो इस कंडीशन में यहां पर रिंग एक्सपेंशन का फिनोमिना होगा, तो इस कंडीशन में रिंग एक्सपेंशन आपको कराना है और इसका तरीका ये होता है कि इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए और इसको 3 कह दीजिए।
और जो नियम है वो मैं समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझेंगे। वन अटैचेज टू थ्री एंड टू गेट्स पॉजिटिव चार्ज, रूल होता है इसका, वन अटैचेज टू थ्री एंड टू गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होगा, मैं तरीका समझा देता हूं एक बार। सबसे पहले यहाँ पर फाइव मेंबर रिंग है, तो आप फाइव मेंबर रिंग को यहाँ पर सिक्स मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, रिंग में एक कार्बन बढ़ा दीजिए और रिंग के अंदर एक कार्बन को यहाँ पर इंक्रीज करके बढ़ा करके उसके बाद में एक साइड में कहीं पर भी वन लिख लीजिए, उसके एक साइड में यहाँ पर आपने टू लिखा, यहाँ पर थ्री लिख दीजिए और एक साइड में यहाँ पर टू लिख दीजिए। वन अटैचेज टू थ्री एंड टू गेट्स पॉजिटिव चार्ज, ये रूल रहेगा। तो बेसिकली इस केस में ये दोनों यहाँ पर अटैच हो चुके हैं और जो ये वाला बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो जो टू है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो हमारे पास में वन नंबर का कार्बन एटम है उससे एक सी एस सी भी अटैच है तो वो अटैच रहेगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन मिल जाएगी। नियम वन अटैच टू थ्री एंड टू गेट्स पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी भी इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें रीअरेंजमेंट इस तरह से पॉसिबल है, यहाँ पर एच है तो हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं तो देखिए हाइड्राइड शिफ्ट को कराने के बाद हमारे पास जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो कार्बोकैटायन इस टाइप का होगा, वो कार्बोकैटायन ये वाला बन जाएगा, इस कार्बोकैटायन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और जो ये कार्बोकैटायन बना है इस कार्बोकैटायन में फिर अटैक कराएंगे आप किसका, H2O का, H2O दिया हुआ था तो H2O का अटैक करा देंगे। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर OH आएगा। तो इस वाली जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको करना वही है लिविंग ग्रुप हटाओ और अगर फोर मेंबर रिंग या फाइव मेंबर रिंग के पास वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन कराओ, रिंग एक्सपेंशन करा करके फिर जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बने उसमें आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट यहाँ पर करना है। तो जब थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं तो उस टाइम पर जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उन सभी को एक्सप्लेन किया जाता है, तो वही सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो एक्सप्लेन किए जाते हैं क्लास के अंदर उन्हीं को अप्लाई करके यहाँ पर मैं फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए अब एक बार देखते हैं कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल है तो इस केस में क्या होगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है और हमें ये देखना है कि इस केस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है बस उसी को देखिए। सबसे पहला काम क्या होगा, लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप हट जाएगा। लिविंग ग्रुप के हटने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको एक बार देख लीजिए, जो कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एच है और यहाँ पर मेरे पास सी एस थ्री है और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कंडीशन में ये पीएच होगा और ये यहाँ पर सी एस थ्री होगा। तो यहां से लिविंग ग्रुप के हटाने के बाद इस तरह का एक कार्बोकैटायन बना। अब इस केस में क्वेश्चन ये है कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं, तो आंसर है नो। कारण ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है उसको ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, इसका भी हाइपरकॉन्जुगेशन मिला हुआ है, जो ये सी एस सी ग्रुप है उसका हाइपरकॉन्जुगेशन मिला हुआ है और जो पीएच यहाँ पर है यानी कि जो बेंजीन रिंग यहाँ पर है उसका रेजोनेंस भी इसको मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये यहीं पर ही स्टेबलाइज रहेगा, कोई रीअरेंजमेंट इससे आगे नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बात जरूर होगी और वो बात ये होगी कि जब आप यहाँ पर H2O का अटैक कराएंगे तो H2O का अटैक दो डायरेक्शन से हो सकता है, या तो ये अपर डायरेक्शन से हो सकता है या फिर ये अटैक लोअर डायरेक्शन से हो सकता है। यानी कि अगर मैं इसको बोर्ड के प्लेन में मार लूं, तो एक बार अटैक हो सकता है बोर्ड के बैक साइड से और एक बार हो सकता है बोर्ड के फ्रंट साइड से। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा और एक्यूरेटली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लो पीछे की ओर है और ये मान लिए हमारे पास में बोर्ड पर बाहर की ओर है, तो ये ग्रुप बोर्ड पर बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है, तो उस कंडीशन में एक अटैक इधर से हो सकता है और एक इधर से हो सकता है। इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक अटैक मैंने इधर से दिखा दिया, एक इधर से हो सकता है और एक अटैक इधर से हो सकता है, और इस कंडीशन में हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हैं, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन सकते हैं। जहां देखते हैं कि दो मॉलिक्यूल जो यहाँ पर बनेंगे वो किस टाइप के होंगे, जो दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं वो दो मॉलिक्यूल किस टाइप के होंगे एक बार इसको समझ लेते हैं। याद रखेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस केस में हमारे पास जो अटैक है वो अपर और बैक दोनों साइड से हो सकता है
और यही कारण है कि SN1 रिएक्शन में racemic मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में डी है, यहाँ पर हमारे पास में एच है, यहाँ पर हमारे पास CH3 है, और इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो pH है मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं CH3 लिख देता हूँ। तो एक केस में OH मैं यहाँ पर लिखूंगा और दूसरे केस में OH इसके अपोजिट साइड में लिखूंगा, यानी कि इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास pH, यहाँ पर डी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर एच ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास CH3 है। इस केस में चूंकि रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इस कार्बन का ओरिएंटेशन जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, इसका ओरिएंटेशन नहीं बदलेगा, लेकिन इसका ओरिएंटेशन यहाँ पर अपोजिट होगा। तो देखते हैं कि ओरिएंटेशन के केस में यहाँ पर इन दोनों में क्या कहानी हुई। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये वाला कार्बन एटम है, तो इस वाले कार्बन एटम में इधर यहाँ पर कई सारे ग्रुप लगे हुए हैं, सो इट विल बी 1, ये मेरे पास में यहाँ पर 2 हो जाएगा, इट विल बी 3 एंड इट इज 4। एटॉमिक नंबर के हिसाब से ऊपर वाले पार्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, उसके बाद में यहाँ पर कार्बन है इसलिए इसको प्रायोरिटी दी है, फिर उसके बाद में ड्यूटेरियम है तो इसको प्रायोरिटी दी है, और उसके बाद में ये आया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आया मेरे पास में 1, 2, 3, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो हॉरिजॉन्टल पर है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर हॉरिजॉन्टल पर होता है तो उस कंडीशन में आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आर कहते हैं। तो मींस ये वाला जो कार्बन एटम है मेरे पास में, इट विल बी आर, और ये मेरे पास यहाँ पर आर था, ये वाला कार्बन एटम, इसको मैं ऐसा करके लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो इट इज आर। ऊपर वाले से कोई मतलब मेरा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तो दोनों फॉर्म में चला गया, एक आर होगा तो एक एस होगा। तो देख लेते हैं इस केस को भी। अगर वाली मैं इसकी बात करता हूं तो इस साइड में ऑक्सीजन अटैच है, सो इट विल बी 1, उसके बाद में इस साइड में बेंजीन रिंग अटैच है तो इट विल बी 2 अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। यहां पर कार्बन से आगे भी कुछ अटैच है, सो इट विल बी 3 एंड इट विल बी 4। तो इस टाइम पर जो इसकी प्रायोरिटी होगी वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगी। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3 अगर आप देखें यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये हॉरिजॉन्टल पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आर। तो मतलब इस केस में जो ऊपर वाला कार्बन एटम है वो आर है और नीचे वाला कार्बन एटम भी आर है। दूसरे मॉलिक्यूल को चेक करते हैं कि उस केस में ऊपर वाले कार्बन पर क्या हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये तो 1 होगा, इस साइड में यहां पर कार्बन से आगे कुछ अटैच है इसलिए 2 होगा। ये हमारे पास में यहां पर ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, और ऊपर वाले को मुझे 2 कहना था, ऊपर वाला यहां पर 2 है और यहां पर हमारे पास में 3 आएगा, जबकि ये वाले बॉन्ड पे यहां पर आ जाएगा अब यहां पर 4। 1, 2, 3 को देखें इस टाइम पे, तो 1, 2, 3 इस टाइम पे क्लॉकवाइज आ रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, तो मतलब इट विल बी एस। तो मतलब ये निकला कि ये तो सेम है लेकिन ये बदल गया है, तो दीज आर द डायस्टीरियोमर्स। क्योंकि डायस्टीरियोमर्स के साथ ये होती है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, लेकिन वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होते हैं। तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, यहां पर है मिरर इमेज, यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में ये डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन ये इनेंसियोमर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो जो दो प्रोडक्ट बने, ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के डायस्टीरियोमर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कि इस क्वेश्चन में क्या सोचना था, कैसे इसको करना था, मुश्किल नहीं है, एक ही बात है बस, बार बार आपको वही देखना है, लिविंग ग्रुप हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है, रीअरेंजमेंट संभव है तो वो कराना है, और उसके बाद में फिर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है और चेक कर लेना है कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा होगा। अगर मैं इस केस में यहाँ पर बात करता हूँ तो पहले लिविंग ग्रुप हटा दीजिए, तो लिविंग ग्रुप हटाने के बाद यहाँ पर बना लेता हूँ, तो लिविंग ग्रुप हटाने के बाद में, या इस साइड से ले आता हूँ इसको, लिविंग ग्रुप हटाने के बाद में जो कुछ हमारे पास बनेगा, लिविंग ग्रुप हटाने के बाद जो भी कुछ बनेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज है और हमारे पास ये कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है बेंजीन रिंग का, इसलिए इस केस में इस जगह से यानी कि यहां से ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट कर जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट होकर के जो कुछ हमारे पास यहां पर बनेगा वो ये होगा। आफ्टर हाइड्राइड शिफ्ट जो भी कुछ हमारे पास बनेगा वो इस टाइप का हो जाएगा, यहां पर कार्बोकैटायन आ गया है। अब इसी कार्बोकैटायन पर वाटर का अटैक हो जाएगा, क्योंकि MeOH दिया है,
तो वाटर के बजाय यहाँ पर MeOH का अटैक हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर MeOH का अटैक कराते हैं, यानी कि CH3OH का अटैक कराते हैं, तो ये जाकर के इससे अटैच हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट बेटा इस टाइप का होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा दैट विल बी OCH3, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। तो फिर मैंने वही किया, लिविंग ग्रुप को हटाया, कार्बोकैटायन बनाया और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट कराया इफ पॉसिबल, और उसके बाद में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दिया। तो बार बार हम इस टाइप का ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एक बार देखते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 कि इस केस में क्या होगा। फिर वैसे ही सोचिए, आपको कुछ नया नहीं सोचना, SN1 रिएक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट है जिसकी मैंने बार बार प्रैक्टिस करवाई है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल। क्या करना है, लिविंग ग्रुप हटाना है, तो लिविंग ग्रुप हटा दीजिए। अगर आप लिविंग ग्रुप हटा देते हैं तो इस केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें एक साइड में CH3 होगा, एक साइड में pH होगा और एक साइड में H होगा, HCH3 and pH, और यहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। इस कार्बोकैटायन में मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बना देता हूं, थोड़ा सा ठीक करके बनाता हूं। जो हमारे पास ये pH है, इस pH को मान लीजिए कि ये बाहर की ओर आया हुआ है, ये pH बाहर की ओर आया हुआ है, और जो हमारे पास में यहां पर CH3H है वो अंदर की ओर है। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो एक प्लेनर अरेंजमेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप यहां पर न्यूक्लियोफाइल का या H2O का अटैक कराएंगे, तो ये H2O का अटैक एक तो अपर साइड से पॉसिबल है और H2O का अटैक एक लोअर साइड से भी पॉसिबल है, दोनों साइड से ये पॉसिबल है। तो अगर इसकी मैं बात करूंगा तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर H कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास है pH, यहाँ पर CH3, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो इसकी मिरर इमेज होगा, यानी कि OH, यहाँ पर H, यहाँ पर आपने pH लिया और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो इस केस में दो प्रोडक्ट का यानी कि इनेंसियोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, जो मैंने आज आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है, अभी जो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ये सभी क्वेश्चंस SN1 के थे। तो SN1 की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को जिन बातों का ध्यान रखना है, पहले जो थ्योरेटिकल अप्रोच होती है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस की हेल्प से हम उन कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लेते हैं। और एक ही तरीका है, लिविंग ग्रुप हटाइए, कार्बोकैटायन बनाइए, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट कराइए, और उसके बाद में फिर न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दीजिए। मैंने यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, इन क्वेश्चंस में अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। 9654107374 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेज करके मैं इसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप की क्लासेस, डिफरेंट टाइप की गाइडलाइन जो स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, आप इसी नंबर पर कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं से ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आप लोगों को SN1 समझ में आया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम SN2 की बात करेंगे और ये देखेंगे कि SN2 के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आप उनको किस टाइप से सोल्व करेंगे। जैसे इसमें तो केवल हमने एक ही बात समझी है, बार बार वही बात समझी है, लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, रीअरेंजमेंट कराओ और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल जोड़ो। बार बार 10 के 10 क्वेश्चन की हेल्प से मैंने यही बात समझाई। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, जय हिंद।